हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईवीएस वर्कशीट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए ईवीएस का वर्कशीट है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वीडियोज़ है आज की वो पार्ट्स ऑफ बॉडी मंथ नेम और डेज नेम से रिलेटेड आज की ये वीडियोज़ हैं। तो आप एंड तक देखें और किस तरीके से आपको क्वेश्चन बच्चों को कराना है वो आप एक बार देख लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप दे सकते हैं इस तरीके से, हाउ मेनी हैंड्स वी हैव, हमारे कितने हाथ होते हैं, तो टू। तो बच्चे ने क्या करना है, टिक करना है सिंपली। हाउ मेनी आईज वी हैव, आईज कितनी होती है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों को ओरली हम कराते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से हम बच्चों को ओरली कराते आ रहे हैं। बट नाउ फर्स्ट ग्रेड में आके या यूकेजी में बच्चे को हम ये सब रिटर्न में कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना के बच्चों को दे, ताकि बच्चा इस तरीके से पढ़ के खुद आंसर करे कि हाउ मेनी आईज वी हैव, टू। देन हाउ मैनी नोज वी हैव, हाउ मैनी नोज वी हैव, वन। तो वन नोज होते हैं हमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप करा सकते हैं, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन वी हैव, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन। कौन कौन से हैं बच्चे, आई है, ईयर और आई ईयर, स्किन, आई ईयर स्किन, नोज एंड टंग। इस तरीके से बच्चों को आपने फाइव सेंस ऑर्गन्स हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं, इनका वर्क क्या है, ये सब हम प्रैक्टिकली कराते हैं। देन यहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन करके उसको क्या करना है, सिंपली टिक करना है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव, फाइव। कौन कौन से, तो वो बच्चे ने बताना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स। आइज का वर्क क्या है, टू सी, राइट, ईयर टू हियर, नोज टू स्मेल, स्किन का क्या है, फील, और टंग टेस्ट। तो इस तरीके से ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड ही एक दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप दें कि ये सेंस ऑर्गन करते क्या क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पर बच्चे को एक टिक लगाना है, आइज़ का काम है देखने का, ईयर का काम है हियर करने का, नोज स्मेल करने का, स्किन से हम फील करते हैं लाइक, और टंग का काम है टेस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मैनी मंथ इन वन ईयर, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 13, 11 मंथ या 12 मंथ। तो बच्चे ने आपने ऑप्शन देना है, ऑप्शनल टाइप में बना के देना है, ताकि बच्चा ऑप्शंस देखे और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे क्या करे, वो टिक करे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डेज कम्स आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। तो यहाँ बच्चे थर्सडे की स्पेलिंग को रीड आउट करेगा, उसे टिक करेगा इस तरीके से। देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज इन वन वीक, वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7, 5 या 8। तो 7 डेज होते हैं वन वीक में। What is your favorite food? तो यहाँ पर बच्चा अपना फेवरेट जो फूड है वो कॉर्नर यहाँ पर बच्चा फिल करेगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को करने के लिए दिए, ताकि बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, बच्चा लिख सके कि what is favorite food and what is his and her favorite color, जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके बच्चों को दे सकते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, टेक द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो what is our national fruit? Our national fruit is mango. तो यहाँ बच्चा मैंगो पे टिक करेगा। तो यहाँ जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, आज मैंने जो शेयर किए हैं आपके साथ क्वेश्चन, वो सारे ऑप्शनल टाइप्स क्वेश्चन शेयर किए हैं कि आप बच्चों को कैसे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बना के उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को रीड करके खुद सॉल्व करे, और बच्चे को ऐसे जीके के फॉर्म में क्वेश्चंस आने चाहिए। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग। थैंक यू।